स्वागत कर रही हूँ आप सभी का एक बार फिर से शिक्षा प्रभा में। बेटा यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट की आंसर की मार्किंग स्कीम या पेपर सॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। सब्जेक्ट कोड है 029 और बेटा ये आपकी इवनिंग शिफ्ट की आंसर की है। मॉर्निंग शिफ्ट की आंसर की जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ यूट्यूब पर, तो आप शिक्षा प्रवाह पर जाकर के मॉर्निंग की अगर आंसर की आपको चाहिए तो देख सकते हैं। और इवनिंग के लिए आप ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर साथ में रखेंगे और आंसर्स अपने टैली करते जाएंगे। खंड का सॉल्यूशन इस वक्त आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेटा इस आंसर की में एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसका पेज नंबर भी दिया गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके कौन से पेज पर मिलेगा। बेटा अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आप इसी तरह की अपनी बाकी सब्जेक्ट की आंसर की पेपर सॉल्यूशन मार्किंग स्कीम सैम्पल पेपर और बाकी CBSE अपडेट्स प्राप्त कर सकें। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है बेटा वो MCQ क्वेश्चंस हैं तो उनका सिर्फ आपको ऑप्शंस पे टिक लगाना है और देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और जो गलत है तो उसका करेक्ट आंसर क्या है। और उसके बाद जो आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे जिसके अंदर आपको लिखना है तो आपको पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना चाहिए जिससे कि हम उस क्वेश्चन के आंसर के पूरे पूरे मार्क्स ले सकें। अपने लिखने के तरीके में भी आप लोग इस की को देख करके सुधार कर सकते हैं। खंड गा के आंसर बेटा यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। विशेषताएं आपसे पूछा गया था चलवासी पशुचारण की। पॉइंट्स में आंसर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कोई भी 5 पॉइंट्स इनमें से आप दे सकते थे। 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 पॉइंट्स कम से कम आपको लिखने होंगे।
तो बेटा ये थी आप लोगों की आंसर की मार्किंग स्कीम या पेपर का सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं। आशा करती हूँ एग्ज़ाम आपका जो है बहुत अच्छा गया होगा, अच्छे मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में अचीव करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, तो मेरी वीडियो को शेयर करना है अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को ऑल पर सेट रखना है जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।